नमस्कार दोस्तों, आर्या स्टेजाना स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का सॉरी स्लिप डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने इसे कट किया है। लंबाई इसकी 8.5 इंच रखेंगे, तो ये हमारा थोड़ा ज़्यादा है, इसे कट कर देंगे। तो 8.5 इंच पर ये निशान किया, फिर 3 इंच पर किया आर्महोल का निशान करने के लिए। तो ये देखिए, इस तरह से करना है, उसके बाद इसे कट कर लेना है। तो हमने कट कर लिया, अब डिजाइंस के लिए कट करना है। नीचे से 1 इंच छोड़ेंगे, उसके बाद इस वाली साइड से 1.5 इंच लेंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच लिया, ऊपर भी 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसको देखिए, रिबन रख के इस तरह से मिला देंगे, सीधा कर देंगे। तो ये हमने इस तरह से कर लिया। अब कपड़े पर रख के इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से कट कर लिया। अब कपड़े को फैलाएँगे और सीधी वाली तरफ अस्तर को फैलाएँगे, और ये निशान जहाँ से किया है बिल्कुल वहीं से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए सिलाई लगाई। अब इसको कट करना है, तो इस तरह से कट करेंगे और यहाँ पर दो कट लगाएंगे। तो हमने कट लगाया, अब इसको पलट लेना है। तो इस तरह से पलट लेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लगाई, अब साइड से भी सिलाइयाँ साथ में ही डाल देंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है, देखिए सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करना है। तो इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब नीचे की तरफ थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई डाल लेंगे। तो इस तरह से सिलाई हमने लगा ली है। अब इस पर जो डिजाइनें रहेंगी उसे तैयार करना है, उसके लिए इस तरह से कपड़ा लेना है। लंबाई 5.5 इंच और चौड़ाई 6 इंच। चौड़ाई वाली साइड से जो हमने 6 इंच लिया है, उस वाली साइड से दोनों तरफ इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से देखिए इस तरह बीचों बीच इस तरह से छोटी छोटी चुनर देते हुए सिलाई इस पर लगा लेना है। तो 2-3 सिलाई इस तरह डाल देंगे। तो इस तरह से हमें बनाना है, उसके बाद इस पर हमें मोतियाँ लगानी हैं। तो सिलाई के एक साइड से एक लाइन मोती लगाएंगे और एक दूसरी साइड से बीच में जो सिलाई गई है उसको छोड़ते हुए दोनों साइड से देखिए इस तरह 3 मोती लगाएंगे। इस वाली साइड से चुनर के बीचों बीच इस तरह से लगा देनी है। तो 3 मोतिया इस साइड से लगाएंगे और 3 देखिए इस साइड से। बीच में जो हमने 2 सिलाइयाँ डाल रखी है वहाँ से छोड़ देना है, थोड़ा सा छोड़ कर लगाएंगे, बिल्कुल फटाकर नहीं लगाएंगे। देखिए इस तरह से अब 3 मोतियाँ इधर से भी लगाएंगे, चुनटों के बीच में से इस तरह से लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से इस पर हमने मोती लगा ली है। धागे को पक्का करते हुए इसे कट करेंगे। इसी तरह से 2 डिजाइनें और हमें ले लेनी है, 3 इस पर आएंगी। अब देखिए इस तरह इसको लगाना है, नीचे वाली साइड से बराबर से मिला कर रखेंगे। दोनों साइड पहले बराबर से बिल्कुल मिला लेना है, उसके बाद इस पर सिलाई लगानी है। बराबर से रखते हुए देखिए तीनों को बिल्कुल बराबर से रखेंगे और इस तरह से सिलाई इस पर लगाते जाएंगे। जो सिलाई लगा ली है दूसरी तरफ से भी इसी तरह से लगाना है। अब इस साइड भी हमें अच्छे से इसको बराबर से मिलाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो हमने देखिए इस तरह से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है। तो ये सिलाई लगाकर ये डिजाइन हमने लगा दी है। अब ये फ्रिल तैयार कर लेना है, नीचे इस पर फ्रिल लगाएंगे। तो नीचे का पैटर्न आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस पर हम फ्रिल लगाएंगे, तो ये फ्रिल इस तरह बना लेनी है। छोटी छोटी चुनर देते हुए हमने फ्रिल को बना लिया था, अब देखिए इस तरह लगा दिया। अब बॉर्डर लेंगे और ऊपर से इसको लगा देंगे। पतला सा बॉर्डर था तो हमने 1 इंच यहाँ पर छोड़ा था इस तरह बॉर्डर के लिए।
देखिए इस तरह हमारा ये डिज़ाइन बन के तैयार हुआ। अगर डिज़ाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।